नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों कौन बनेगा करोड़पति गेम शो को होस्ट कर रहे हैं। इन दिनों KVC 15 टीवी पर चल रहा है और दर्शकों को खूब पसंद भी आ रहा है। देश भर से कई कंटेस्टेंट्स अपनी किस्मत आजमाने के लिए शो में हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं कुछ हॉट सीट पर पहुंचकर बड़ी धनराशि जीतने का मौका भी मिल चुका है। इस बीच KVC के मंच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अमिताभ बच्चन एक कंटेस्टेंट से मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को लेकर एक सवाल पूछते हैं। अमिताभ बच्चन कंटेस्टेंट से पूछते हैं कि कमलनाथ जी ने इतने किसानों का कर्ज माफ किया था, इसके लिए वो बड़ी रकम वाले ऑप्शन भी सामने रखते हैं। कंटेस्टेंट्स जवाब देता है 27 लाख। ये जवाब सही बताया जाता है। शो से जुड़े चैनल ने इस वीडियो को शेयर कर साफ कह दिया है कि असल में ये वीडियो नकली है। अमिताभ के शो पर किसी भी कंटेस्टेंट से ये सवाल नहीं किया गया। सोनी टीवी चैनल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए इस वीडियो का सच बताया है। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है, कौन बनेगा करोड़पति का ये फेक वीडियो लोगों को गुमराह कर रहा है। अगर आपको सही एपिसोड को देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए। वहीं ट्विटर पर शेयर पोस्ट में लिखा गया है, हमारे शो कौन बनेगा करोड़पति की एक फेक वीडियो के वायरल होने के बारे में हमें आगाह किया गया है। इन वीडियोस में होस्ट और कंटेंटेंट की नकली आवाज का इस्तेमाल कर झूठा कंटेंट दिखाया गया है। हम ऐसी गलत जानकारी की सख्त निंदा करते हैं। हम इस मामले पर साइबर सेल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि बिना वेरीफाई हुए कंटेंट को शेयर करने से बचे। सोशल मीडिया पर इस फेक वीडियो पर यूजर्स का अलग अलग रिएक्शन भी आने लगा है। कई फेक वीडियो को देखकर चैनल और शो की निंदा कर रहे हैं। हालांकि अब चैनल की तरफ से सच सामने आने के बाद चीजें साफ हो गई हैं। अमिताभ बच्चन साल 2001 से KVC को होस्ट कर रहे हैं। उन्हें बतौर होस्ट फैंस काफी पसंद भी करते हैं। शो का 15वां सीजन भी दर्शकों को फेवरेट शो में से एक बन चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।